जय भारत एम्स सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा सिक्योरिटी सुपरवाइजर की भी वैकेंसी यहाँ पे है, जिसके लिए जेएसयू अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के और आर्मी के रिटायर सभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इससे पहले भी वैकेंसी आई थी एम्स सिक्योरिटी गार्ड कम फायरमैन की वैकेंसी थी, लेकिन उसमें फायरमैन से रिलेटेड कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं मांगा गया, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। सिंपली आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी जॉब है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए। दोनों जॉब्स की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह की जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। ये जो जॉब है सरकारी नौकरी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी खासी सैलरी जो दी जाती है ग्रुप सी के अंदर यहाँ पे दी जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे मैं दो टाइप की वैकेंसीज का जिक्र विशेष कर करूँगा। और भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके अंदर ये सब जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है वो सब है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, और यहाँ पर देख रहे होंगे ये इसके लिए मांगा गया है डिग्री। आर्मी के जो रिटायर्ड हैं जेएसयू साहिबान सुविधार के लिए ये है सुविधार। यहाँ पे इसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आर्मड फोर्सेज पर्सनल ऑफ द रैंक सुविधार, सुविधार रैंक, या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज के, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए जो ग्रेजुएट नहीं है सुविधार, वो अपने 10वीं के मार्कशीट पे जो है भर्ती हो सकते हैं। सिर्फ उनको आर्मी स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। और यहाँ पे ये वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है। फिजिकल थोड़ा यहाँ पे दिया गया है तो वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी बताया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जो भी सुविधा रिटायर हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के, उन वो लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उनके पास भी डिग्री होना चाहिए, और डिग्री नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन आर्मी के कर सकते हैं, उनके लिए सुविधा दी गई है। और भी यहाँ पर आपको और बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, आगे बात करता हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी, ये यहाँ पर वैकेंसी आपको मिलने वाली है, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कम फायर गार्ड ग्रेड 2 की वैकेंसीज, और यहाँ पर आपको 11 वैकेंसीज मिलेगी। यहाँ पर कुछ डिटेल्स और भी दी गई है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। सर्विस इन द आर्मड फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस, वो सभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और भी कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन जो एक्सेसमैन है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमैन का यहाँ पर डिटेल्स विशेष कर दिया हुआ है। कुछ हाइट वगैरह है यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी हुई है, वेट वगैरह है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी दी जाएगी, जो भी है 5000 जो 200 रुपये से लेके 20000, ये तो आपको बेसिक मिलेगा। उसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेस है वो यहाँ पर दिए जाएंगे, HRA एजुकेशन अलाउंस और DA वगैरह जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 24 अप्रैल से लेके 13 मई 2023 तक अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट एम्स की, उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। और बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली यहाँ पर। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी एक्सेसमैन है उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो भी जनरल है उनको 3 साल की छूट, यानी कि जो आपकी एज है उसमें आपने जितनी आर्मी की सर्विस की उसको माइनस करने के बाद 3 साल की छूट जनरल के लिए है। OBC के लिए 6 साल की छूट है, और SC ST के लिए दोस्तों 8 साल की छूट है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट रहेगी। एक्सेसमैन का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि एक्सेसमैन को क्या क्या है। मैट्रिक को एक्सेसमैन के बारे में बताया गया है कि जो भी मैट्रिक एक्सेसमैन है, यानी कि जो जेएसयू साहब हैं, यदि मैट्रिक हैं तो वो उनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बारे में लिखा है कि जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, जिन्होंने आर्मी एयरफोर्स नेवी में सर्विस की है, 15 साल कम से कम से सर्विस की है, ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक एक्सेसमैन यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसीज है सिक्योरिटी कम फायरमैन के लिए, उनके लिए तो 10वीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सुविधार साहब हैं, जो लोग सिक्योरिटी अफसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो मैट्रिक पास भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी। आज के टाइम जय हिंद, जानकारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें।
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद।